नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलू। लखनऊ में कमिश्नरी बड़ालू लागू होने के बाद पुलिस के बड़े अफसर थानों का निरीक्षण कर ग्राउंड पुलिसिंग के खाकी को सुधारने में जुटे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने भी निरीक्षण के दौरान कई खामियों पर आपत्ति जाहिर करते हुए उन्हें सुधारने की हिदायत दी। नीलाब्जा चौधरी ने विभूतिकंठ थाने का निरीक्षण किया, शस्त्र गृह, मालखाना और कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसीपी वर्मा, एडिशनल डीसीपी अमित कुमार, एसीपी स्वतंत्र सिंह समेत थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला मौजूद रहे। इस औचक निरीक्षण के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। पुलिस कमिश्नरेट का जब से इजाद हुआ है तब से तमाम पुलिस अफसर क्राइम मीटिंग को लेकर के सजग है और पुलिस किस तरीके से लखनऊ के अंदर काम कर रही है उसको लेकर के मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी जी मौजूद है। सर, आज आपने थाने का निरीक्षण किया है, अभिलेखों को क्रॉस चेक किया है, किस तरीके से पुलिसिंग काम कर रही है? देखिए, थाने के वार्षिक निरीक्षण और अर्धवार्षिक निरीक्षण आदि करने की जो नियम है वो पुलिस रेगुलेशन में प्रतिपादित है और अलग अलग समय में मुख्यालय द्वारा निर्देशित भी किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते कमिश्नरेट बनने के बाद पर्याप्त मात्रा में निरीक्षण नहीं हो पाए थे, तो आज मैं यहाँ पे वार्षिक निरीक्षण थाना विभूतिखंड का कर रहा हूँ और इसमें अलग अलग बिंदुओं पर जैसे अपराध के रोकथाम और विवेचनाओं के निस्तारण और थाने के संचालन आदि अलग अलग विषयों पर हेड्स पे मुआयना किया जा रहा है और उचित मार्गदर्शन दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। खास तौर से लॉकडाउन जब खुला है, अनलॉक का वन आया, एक पीरियड आया है, तमाम तरीके की जो क्राइम है उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही, नई पुलिसिंग का इजाद किया गया, पॉलीगॉन पुलिसिंग, जो बैरियर पॉइंट्स है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, तो इस पर किस तरीके से कंट्रोल होगा क्राइम का और लगभग अपराधियों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी? देखिए, ये तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि लॉकडाउन खुलने के बाद हल्का सा क्राइम ग्राफ में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले वर्षों के अनुपात में इतनी बढ़ोतरी नहीं है, परंतु लॉकडाउन से अगर हम कंपेयर करें तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी इसलिए नजर आएगी क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा चालू हो रही है, लोग बाग सड़कों पर आ गए हैं और क्रिमिनल जो भी इतने दिन से बिल्कुल उसके पास कोई ऑप्शंस थे भी नहीं तो क्राइम करने के, तो वो भी सक्रिय नहीं था, पुनः सक्रिय होने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम लोग जो भी सक्रिय अपराधी है, जो भी अपराधी प्रकाश में अब तक आए उनकी छानबीन कर रहे हैं, उनको तस्दीक कर रहे हैं, उनके वर्तमान लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि पुनः वो अपराधी गतिविधियों में लिप्त ना हो, अगर लिप्त दोबारा पाए जाते हैं तो हम लोग तत्काल उसके पास पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। एक मेन और अहम सवाल ये कि जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी उससे बदलकर मॉडर्न पुलिसिंग भी आई है, नए क्राइम के तरीके भी ईजाद हुए, तो उससे किस तरीके से लड़ा जाएगा? वो कोई मोनोपोली बनी हुई है नई कि जिससे नए क्राइम से लड़ा जाए? देखिए, जैसे आपने अभी बताया पॉलीगॉन सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है, अभी सीसीटीवी के जो कवरेज है लखनऊ के शहर के उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, अत्याधुनिक कर रहे हैं और भी नए कैमरेज लगा रहे हैं। क्रिमिनल और क्राइम मोड के मोडस अपरेंडाई जो है हर समय हर युग काल में बदला है और पुलिस भी उसके साथ साथ निश्चित रूप से बदलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिसिंग को भी हम लोग अत्याधुनिक बनाएंगे, टेक्नोलॉजी के सहारा लेंगे और क्रिमिनल जितना आगे बढ़ेगा उससे हम प्रयास करेंगे एक कदम हम आगे रहें। तो ये थे हमारे साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मॉडर्न पुलिसिंग की ओर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ उन अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे जो आज तक ज्यादा क्राइम पर फोकस कर रहे हैं और जरूर से जरूर उन लोगों पर लगाम लगाने की ज्यादा कोशिश की जाएगी जो लगातार बाहर से आकर के अंदर शहर में वारदातों को अंजाम देते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन विश्वकर्मा के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे।